हेलो साईं भक्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं साईं साधना आपको कुछ वास्तु टिप देना चाहती हूँ कि आप कौन सी मूर्तियाँ घर पे रखें और कौन सी नहीं रखें। कुछ मूर्तियों को मैं बताती हूँ जिन्हें आप घर पे नहीं रखें, उसको रखने से आपको बहुत नुकसान होता है, अन्यथा बर्बाद हो सकते हैं। यदि आप ये मूर्तियाँ रखी हैं तो इन्हें हटा दीजिए, तुरंत मंदिर में भिजवा दीजिए। घर पर पूजा का स्थल पूर्व और उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ईशान कोण की जगह होना चाहिए, जो सबसे उत्तम माना जाता है। जो पूजा करने वाला भक्त हो उसका मुंह पूर्व की तरह और उत्तर दिशा में होना चाहिए। भगवान का मुंह यदि आप पूछेंगे कि दक्षिण की दिशा में, तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो दसों दिशाओं के मालिक हैं, उनका मुंह किसी भी तरफ हो सकता है, पर हमारा मुंह पूजा करते हुए ध्यान दें कि पूर्व और उत्तर की तरफ हो। पूजा स्थल सर्वोत्तम स्थान पर निर्मित करें। पूजा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, जो वहाँ पे हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, तो हम किन मूर्तियों का नहीं रखें, किन मूर्तियों को, नटराज को जो है भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था उस समय की उनकी अवस्था है, और जो है इसको हमें नहीं रखना चाहिए, चूँकि ये काफ़ी रौद्र रूप है उनका, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और जो है मित्रों, शनि की भी मूर्ति नहीं रखें। शनि को उनकी पत्नी का श्राप है कि जिसके भी जिस जातक के ऊपर आपको आपकी छाया पड़ेगी, उसे अशुभ फल की प्राप्ति होएगी, इसलिए शनि की मूर्ति भी नहीं रखें या कोई फोटो भी नहीं रखें। यदि है तो उसको मंदिर में भिजवा दीजिए, किसी पीपल के पेड़ के पास में रख दीजिए। महाकाली की मूर्ति नहीं रखें। महाकाली का रौद्र रूप है। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए महाकाली का रूप अपनाया था, और जो है वो रौद्र रूप है, और जो उससे हम यदि घर में रखते हैं तो हमारे घर में जो विपरीत अवस्थाएं पैदा होएंगी, धन धान्य में वृद्धि नहीं होएगी, और जो है आपस में क्लेश होगा एक दूसरे में, परिवार के सदस्यों में, इसलिए दुर्गा माँ की भी काली माँ की मूर्ति नहीं रखें। और भैरवनाथ जो है साक्षात शिव के अवतार माने जाते हैं, ये तंत्र विद्या के देव माने जाते हैं, इनका सिर्फ तांत्रिक लोग ही रख सकते हैं। इनकी पूजा यंत्र मंत्र तंत्र से की जाती है, जो एक सामान्य गृहस्थ के लिए मुश्किल है। यदि हम इतनी पूजा नहीं कर सकते तो उसका हमें बुरा फल मिलता है, इसलिए हमें इनकी जो भैरवनाथ की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, न तो शनि की रखनी चाहिए। यदि भक्तों जो है उसकी भी महालक्ष्मी की मूर्ति खड़ी नहीं रखें हम, खड़ी रखने से लक्ष्मी चंचला होती हैं और वो चली जाती हैं, इसलिए हम ध्यान दें कि हम लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति रखें, जो कमल के फूलों पे, उसके साथ गणेश और लक्ष्मी की भी मूर्ति रख सकते हैं। हाँ, समुद्र मंथन के दौरान एक दैत्य भी निकला था, वो दैत्य राहु, उसको भगवान ने दो टुकड़े कर दिया था, राहु और केतु बन गया, पर उसने अमृत पान कर लिया, तो वो जो है अमृत पान कर लिया तो अमर हो गया, तो उसको हम लोग नवग्रह में बनाते समय उसका वो बना देते हैं, पर उसको उसकी मूर्ति हमें घर में नहीं रखना चाहिए। यदि हम उसकी घर में मूर्ति रखते हैं तो राहु जो है एक बुरा ग्रह है और उसको बुरा प्रभाव होता है हमारे घर में, न धन की वृद्धि होगी, न समृद्धि होगी, न ऐश्वर्य बढ़ेगा, न परिवार में रहे सुख शांति नहीं बनी रहेगी, इसलिए राहु केतु को हम लोग नहीं रखें। नवग्रह के देवता हैं ये, इनको नवग्रह में इनकी आकृति बनाई जाती है, और ऐसे इनकी पूजा और जो है घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, और जो है मैं बता रही हूँ मित्रों कि बड़े शिवलिंग को नहीं रखे घर में अपने, जो यदि बड़ा शिवलिंग है तो आप उनको मंदिर में स्थापना करवा दीजिए, और अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखिए। अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखने से आप उसकी पूजा करें और उस पर जो है बेलपत्र चढ़ाएं, और उस बस कितना आपके अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि उससे बड़ा होगा तो फिर आपको उसका अशुभ फल मिलेगा। अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखें, एक से ज़्यादा दो मूर्तियाँ घर में नहीं रखें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक भगवान की दो दो मूर्तियाँ रख देते हैं, तो नहीं, एक ही मूर्ति मंदिर में रखें, और मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा रखें, चूँकि मंदिर में हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हमने जो मूर्तियों को बताया है उसको प्लीज़ आप यदि आपके घर में हैं तो उनको आप बाहर मंदिर में रखवा दीजिए, या किसी पेपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये सब हमारे जो है यदि भगवान मंदिर जो एकदम साफ़ सुथरा पूर्व और उत्तर की दिशा में रखें, ईशान कोण में, जिससे हमारे घर में बहुत सुख समृद्धि होएगी और बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त होएगा। तब तक के लिए बाय।